हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे लिक्विड हाइलाइटर। आप घर पे ही अपना लिक्विड हाइलाइटर बना सकते हो, वो भी बहुत ही इजीली। लिक्विड हाइलाइटर बनाने के लिए हमें चाहिए मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पर एपिलो का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप आपके स्किन अकॉर्डिंग आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र हो आप वही यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हाइलाइटर को और भी शाइनिंग करने के लिए और भी लिक्विडी करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे बेबी ऑयल। मैं यहाँ पर जॉनसन का बेबी ऑयल ले रही हूँ। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा ग्लिसरीन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे दिखाया था कि मैंने ये शिमर्स खरीदे हैं, तो इन्हीं से मैं आज अपना DIY लिक्विड हाइलाइटर बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिक्विड हाइलाइटर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक ऐसा क्लीन कंटेनर। उसके बाद हम लेंगे मॉइस्चराइज़र। हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून मॉइस्चराइज़र ले लेंगे। आप जितना हाइलाइटर बनाना चाहते हो आप उस हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हो। उसके बाद हम लेंगे बेबी ऑयल। अगर आपके पास बेबी ऑयल ना हो तो आप कोई भी कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास बेबी ऑयल है इसीलिए मैं यही यूज़ करूँगी। हमें बेबी ऑयल बहुत ही थोड़ा सा लेना है, 3 या फिर 4 ड्रॉप्स ही हमें बेबी ऑयल लेना है। उसके बाद हम लेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी हमें 3 या फिर 4 ड्रॉप्स ही लेना है। अगर आप ग्लिसरीन ज़्यादा लोगे तो बहुत ही चिपचिपा हो जाएगा। उसके बाद हम लेंगे शिमर। सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर ये सिल्वर कलर का शिमर। बाद मैं यहाँ पर लूंगी ये व्हाइट कलर का शिमर। फिर मैं यहाँ पर लूंगी ये पिंक कलर का शिमर। उसके बाद मैं यहाँ पर लूंगी ये गोल्डन कलर का शिमर। फिर मैं यहाँ पर लूँगी ये कॉपर कलर का शिमर। अगर आपकी स्किन टोन थोड़ी ब्रिटिश हो तो आप ये कलर का शिमर ज़रूर ऐड करें, तो फिर बहुत ही नेचुरल दिखेगा आपके स्किन पे। उसके बाद हम ये सारे कलर्स एक साथ मिक्स्ड कर लेंगे। ये रेडी हो गया है हमारा लिक्विड हाइलाइटर, या फिर आप इसे लिक्विड इल्यूमिनेटर भी कह सकते हो। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा गाढ़ा बन चुका है तो आप थोड़ा सा बेबी ऑयल और मिक्स कर ले तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ये पतला हो गया है तो आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र इस पर मिक्स कर ले। तो मैं आपको एक क्विक डेमो करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो मेरे हैंड पे कुछ भी नहीं है। मैं आपको यहाँ पर ये हाइलाइटर यूज़ करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कि ये मेरे स्किन के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स्ड हो गया है और बहुत ही शाइनिंग दिख रहा है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करना।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।